बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमामुद्दीन चैनल्स हेयर। आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर एब्सक बदीन। आज जो हमारा है चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज 9th चैप्टर इन बुक ऑफ द मैट्रिक फेडरल बोर्ड। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जो चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। सो कल हमने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और जो पहले कुछ टर्म्स थे जस्ट लाइक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन को जो है ना थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब आज भी करूँगा। व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम एक कंडीशन होती है, एक स्टेट होती है जिसमें दोनों जो है ना साइड के रिएक्शन के रेट जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दैट स्टेट दैट कंडीशन इज सेड टू बी एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। वन इज स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम, अनदर इज डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेकंड वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी कंसीडर्ड एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम क्योंकि इट दैट ऑब्जर्वड बाय मीन्स ऑफ केमिकल बाय मीन्स ऑफ रिएक्शन सिंपली, बट स्टैटिक कंसीडर्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हियर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक का मतलब है मीन्स मोशनलेस, एक जगह पे मौजूद होना सिंपली। फॉर एग्जांपल अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग डाउन। व्हाई? बिकॉज ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट्स आर बैलेंस्ड। वो जो फोर्सेस होते हैं सब क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। बैलेंस होने की वजह से जो बिल्डिंग होता है वो रिमेन स्टैंडिंग स्टैंड होती है या स्टैंड होती है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो बैलेंस होते हैं। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अनदर एग्जांपल इज बुक ऑन टेबल। जब टेबल टेबल पे बुक होता है वो भी क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम में होता है। वो जो इक्विलिब्रियम होती है वो क्या होती है, स्टैटिक होती है, मीन देयर इज नो एनी मोशन। अनदर टर्म इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी कंसीडर्ड एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। अ रिएक्शन इन व्हिच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? वो इक्विलिब्रियम जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज इन मोशन। दे आर ऑलवेज इन मोशन मीन्स कभी ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूलर मोशनलेस हो जाए, स्टॉप हो जाए, नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। बट दीज आर ऑलवेज इन मोशन, वो मोशन में ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा हो जाती है। सो इन दो दो सबब की वजह से दैट इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज, जी मॉलिक्यूल इन दैट इक्विलिब्रियम ऑलवेज आर इन मोशन, वो कभी भी जो है ना स्टॉप नहीं होंगे, क्योंकि उनमें जो होता है जो मोशन होता है, इस मोशन की वजह से ही उन इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अ रिएक्शन इन व्हिच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज सेड टू बी एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दैट कंडीशन दैट स्टेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो एरो है ना ये शो कर रहा है रिवर्स रिएक्शन। एक मैंने कल पढ़ाया था, एक होता है रिवर्स रिएक्शन, दूसरा होता है इरिवर्स रिएक्शन या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। ठीक है, सो ये जो डायरेक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ऑलवेज इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, ऑलवेज इक्विलिब्रियम बिल्ट अप ड्यू टू रिवर्सिबल रिएक्शन। So these both arrow denotes the reversible reaction. When one molecule of hydrogen reacts with one molecule of iodine, it forms two molecules of hydrogen iodide. But when concentration of product, this is a product, when concentration of product
increased or becomes more as compared to concentration of reactant, that product goes towards reactant. So mean that motion, that simply ये जो हम कहते हैं भाई कि जब reactants product में convert होते हैं तो product reactant में convert होता है, same case always happens. कि एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे दोनों का जो रेट होता है, रेट मींस स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो स्पीड होता है वो क्या होती है, इक्वल हो जाती है. उन इक्वल, जहाँ पे इक्वल होती है उन कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिंपली केमिकल इक्विलिब्रियम, या केमिकल इक्विलिब्रियम इज आल्सो टाइप ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक क्यों कहते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट इन दैट सिंपली इक्विलिब्रियम आर ऑलवेज इन मोशन बिकॉज ऑफ दैट. That is considered as a dynamic equilibrium. यहाँ पे some macroscopic characteristics of forward and reverse reaction. कल just मैंने intro बताया था कि forward reaction क्या होता है, reverse reaction क्या होता है. यहाँ पे forward reaction, it is a reaction in which reactant react to form product. In other words, it takes place from left to right. Always forward reaction taking place from left to right. Initial stage, the rate of forward is very fast. पहली जो स्टेज होती है, मीन फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन का रेट होता है वो ज़्यादा होता है. इट इज स्लोली स्लोज डाउन ग्रेजुअली, मीन स्लोली ग्रेजुअली इट्स स्पीड डिक्रीजेस. बट इन केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस फ्राम राइट टू लेफ्ट. यहाँ पे देखो कि ये जो है, ये हमारा है लेफ्ट, ये है राइट. सो जब जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, इस लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट होते हैं. जब रिवर्स रिएक्शन होता है, ये राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट होता है. सिंपली यहाँ पे देखो, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इन द बिगिनिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल. क्यों नेग्लिजिबल है, इसलिए क्योंकि जो रिएक्टेंट है पहले उसका रेट क्या होता है, फास्ट होता है. जब वो कन्वर्ट होते जाएंगे स्लो बाय स्लो, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट की कम हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट की क्या होती हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. सो इट स्पीड अप ग्रेजुअली, वो स्पीड्स अप ग्रेजुअली. क्यों, क्योंकि जैसे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उसकी स्लो बाय स्लो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट. इन जो ये रिवर्स रिएक्शन होता है उसमें प्रोडक्ट रिएक्ट करता है और उनके बावजूद वो जो प्रोड्यूस करता है सिमिलरली रिएक्टेंट प्रोड्यूस करता है. लेकिन फॉरवर्ड में क्या होता है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है. लेकिन रिवर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करते एक रिएक्टेंट बनाता है. सिंपली फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम आर गिवन बिलो. एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम. इसके लिए जो सिस्टम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए. इन विच सबस्टेंस कैन नीदर लीव आर नॉर इंटर. एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी की तो चेंज हो सकती है, लेकिन बाहर से कोई चीज़ ना इंटर हो सके, नहीं अंदर से कोई चीज़ बाहर जा सके, उन सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम. सो क्लोज सिस्टम में ये इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है. एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्टेंट डज नॉट स्टॉप. मैंने आपको कहा ना, ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है उनको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. उनके बीच में जो रिएक्टेंट होता है वो कभी स्टॉप नहीं होती. फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन. उनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिट. जैसे मैंने आपको एरो दिखाया, यहाँ पे भाई देखो कि ये जो एरो है ये इस साइड है, ये एरो क्या है, ये इस साइड है. बोथ आर इन अपोजिट इन डायरेक्शन. एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप. फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीपिंग ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन. एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट डू नॉट चेंज. उसका अमाउंट कभी चेंज नहीं होगा. क्यों, ड्यू टू क्लोज सिस्टम. क्योंकि क्लोज सिस्टम में क्या होता है, नीदर मास कैन बी इंक्रीज नॉर डिक्रीज, बट इट रिमेन्स क्या, कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम. इवन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कलर डेंसिटी रिमेन्स द सेम. उसका भी वो भी क्या होते हैं, वो भी सेम ही रहते हैं. सिंपली इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम इधर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स आर फ्रॉम प्रोडक्ट. या स्टार्ट आप रिएक्टेंट से करो या प्रोडक्ट करो, इट कैन बी पॉसिबल.